हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में केशव फिल्म्स में। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। मतलब कभी कोई इंसान कितना परेशान रहा, कितना उसको सहना पड़ा, और उसके बाद एकदम से उसको कोई ऑफर आ गया। तो यही हुआ ज्योति कुमारी के साथ। इस लॉकडाउन में उन्हें साइकिल चलाकर गुरुग्राम से बिहार जाना पड़ा, और अब उनकी रियल लाइफ पर फिल्म बन रही है, और उस फिल्म में जो उनका रोल निभा रही हैं वो खुद ज्योति कुमारी हैं। तो आज करेंगे इसके बारे में पूरी बात। सो लेट्स स्टार्ट। इस बात को एक महीने से ऊपर हो गया कि 15 साल की ज्योति कुमारी को अपने पापा के साथ साइकिल चलाकर गुरुग्राम से बिहार दरभंगा जाना पड़ा। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब साइकिल चला के जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनकी कंडीशन ही ऐसी हो गई थी कि उनको ये करना पड़ा। और अब जब उनको फिल्म ऑफर हो चुकी है तो उनसे पूछा गया क्या वो कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे फिल्म ऑफर हुई है। इस फिल्म में दिखाया जाएगा बेसिकली एक लड़की की कहानी कि कैसे कैसे वो गुरुग्राम से बिहार तक जाती है, बीच में से क्या दिक्कतें होती हैं, इन सबको इस फिल्म में दिखाया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर शाइन कृष्णा ने बताया कि 4 दोस्त हैं जिन लोगों को फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का बहुत पैशन है, तो वो लोग ज्योति के पास गए, उन लोगों ने उनसे पूरा का पूरा पूछा, उसके बाद जो ये कहानी रेडी हुई। और फिर ये शूटिंग है वो अगस्त महीने तक स्टार्ट हो सकती है। इस फिल्म का नाम आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट रखा जा सकता है। ये कहानी बेसिकली दिखाएगी कि ऐसा क्या रीज़न हुआ कि ज्योति को अपने पापा के साथ गुरुग्राम से बिहार जाना पड़ गया, वो भी साइकिल से। मतलब क्या दिक्कतें आई उनको, क्या ऐसा हुआ, इन सब को इस फिल्म में बड़े अच्छे से कवर किया जाएगा। मिराज एंड फेरोज़ जो कि मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, और उनके साथ कृष्णा और साजिश नंबियार ने इस फिल्म को बनाने के राइट्स ले लिए हैं। वी मेक फिल्म्स जो कि पिछले 2 दशकों से फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें कृष्णा है जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। इस फिल्म के जो लोकेशंस होंगे वो रियल लोकेशन से लिए जाएंगे, यानी कि दरभंगा, गुरुग्राम, इन सब जगह शूटिंग इसकी होगी, कृष्णा ने इसके बारे में बताया। ज्योति के पापा का रोल जो इस फिल्म में निभाने वाले हैं उनका रोल अभी फाइनलाइज हो रहा है। इस फिल्म को हिंदी, इंग्लिश, मैथिली और भी कई भाषाओं में डब किया जाएगा। कृष्णा ने यह भी बताया कि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए जो इस फिल्म का नाम होगा वो होगा अ जर्नी ऑफ अ माइग्रेंट, और इस फिल्म को 20 भाषाओं में डब किया जाएगा। ज्योति की फैमिली की लाइफ में दिक्कतें स्टार्ट हुई जनवरी महीने से। ज्योति के पापा गुरुग्राम में ही ई रिक्शा चलाते थे, और जनवरी महीने में उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो और ख़राब होती गई, और उनके मकान मालिक ने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि या तो किराया दो या तो घर खाली करो। और उसके बाद मार्च के एंड में लॉकडाउन लग गया, तो जो कमाने का साधन था भी वो भी खत्म हो गया। उसके बाद इतनी दिक्कतें हुई कि उनको ये फैसला करना पड़ा कि वो लोग साइकिल से ही गुरुग्राम से दरभंगा की ओर निकल जाएंगे। ये जो आइडिया था वो ज्योति का आइडिया था कि 1200 किलोमीटर साइकिल चला के वो लोग अपने गाँव जाएंगे, और इस जर्नी में उनको बीच बीच में ट्रक से लिफ्ट भी मिली। इस बाप बेटी की जोड़ी ने इस जर्नी को 8 दिनों में खत्म कर दिया, और ये जर्नी जो है मीडिया के लिए भी काफी बड़ी खबर रही, और फाइनली इसके ऊपर मूवी बनाई जा रही है। तो देखते हैं मूवी कैसी बनती है, देखने में काफी अच्छा लगेगा। जब भी कोई मूवी असली कहानी पर बनती है तो उसको देखने में एक अलग ही मजा आता है, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों के पास मेरे कोई सजेशन हो तो प्लीज कॉमेंट में बताइए। और अगर आप लोग इस फेस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो फॉर वेरीफाई लवली वीडियोज सब्सक्राइब टू माय केशव फिल्म्स। मिलता हूं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।